नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के, और यह करंट अफेयर्स संबंधित है आपके मार्च और अप्रैल 2024 के महीने से। देखिए, इस करंट अफेयर्स को कलेक्ट करने में हमारा यही प्रयास रहा कि जो फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अधिक है, उन्हीं को मैंने इसमें रखने का प्रयास किया है। वीडियो के नाम पर मैंने बिल्कुल भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कोई भी कंटेंट कहीं से भी लेके और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। तो एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा और कम से कम दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला जो फैक्ट्स है वह है, और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 9 अगस्त 2016 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। वर्तमान में विश्व में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है। अब प्रश्न उठता है कि पहले और दूसरे नंबर पर फिर कौन सा पोर्टल है। तो पहले नंबर पर जो पोर्टल है वो कोरिया का पोर्टल है, जिसका नाम है ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर का पोर्टल है, जिसको हम जानते हैं जे बिज पोर्टल के नाम से। तो ये तीनों पोर्टल आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट, स्टारगेट। स्टारगेट क्या है? तो दोस्तों देखिए, स्टारगेट जो है AI सुपर कंप्यूटर है ये, और इसको विकसित किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के द्वारा, और इसकी अनुमानित लागत की अगर बात की जाए तो लगभग $100 मिलियन है। तो बहुत ही अधिक लागत से तैयार हो कंप्यूटर बनाया जा रहा है, इसका नाम है स्टारगेट। तो स्टारगेट आपको याद रखना है। स्टारगेट क्या है? तो स्टारगेट एक सुपर कंप्यूटर है जिसको विकसित किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के द्वारा। अगला पॉइंट है विराट कोहली। अप्रैल 2024 में IPL में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, ये करंट का फैक्ट्स है, भविष्य में ये अपडेट भी होता रहता है। तो अभी के डेट में अगर हम बात करें तो वर्तमान में विराट कोहली जो है IPL में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, और उनकी जो शतकों की संख्या वह है 8। इससे पहले ग्रिस गेल के 6 शतक हैं IPL में, और जोस बटलर के 5 शतक हैं IPL के इतिहास में। तो IPL में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। और इन्होंने ये जो डेटा है अप्रैल 2024 में सबसे अधिक शतक पूरे कर लिए हैं। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू को जैसा आप लोग जानते हैं कि भारोत्तोलक हैं, और अभी पेरिस ओलंपिक जो 2024 है उसके लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता ने 2024 पेरिस खेलों में अपनी जगह पक्की करने के लिए महिलाओं के 49 किलोग्राम के ग्रुप बी में 3रे स्थान पर और कुल मिलाकर 11वें स्थान पर, अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो 11th पोजीशन, और महिलाओं की बात की जाए तो 3री पोजीशन में रही 49 किलोग्राम ग्रुप के बी में इन्होंने स्थान हासिल कर लिया है। और इस तरीके से मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है 16 से 18 अप्रैल के मध्य में, यानी 16, 17, 18 अप्रैल, 3 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन था, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें और पहले भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए। इस सूची में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 205 अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ शीर्ष पर हैं। असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर में सुनील छेत्री ने अफगानिस्तान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। तो देखिए, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। अगर विश्व की रैंकिंग की बात की जाए तो विश्व में इनकी 8वीं रैंकिंग है, और तो अगर ये पूछा जाए कि विश्व में पहले स्थान पर या सबसे अधिक जो फुटबॉल मैच खेले हैं वो किसके नाम है, तो ये नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम, जिन्होंने कि 205 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले हैं। खेल मीन्स फुटबॉल, ये फुटबॉलर हैं। एंड अगला जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं, चुनी गई हैं। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, मनोज पांडा नाम चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य ये बने हुए हैं या बनाए गए हैं, और भारत सरकार ने अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा और फैक्ट ले लीजिए कि 16वां जो वित्त आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर
23 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 280 अनुच्छेद के तहत, वही लिखा हुआ है। भारत सरकार ने अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग, जिसका गठन 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था, का सदस्य नियुक्त किया है। मनोज पांडा किसका स्थान लेंगे? तो मनोज पांडा स्थान लेंगे निरंजन राजा अध्यक्ष का, जिन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी याद रखना कि जो पद खाली हुआ था किसके कारण खाली हुआ था? इस्तीफा देने के कारण, न कि कार्यकाल पूर्ण होने के कारण। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा। अगला पॉइंट है, मुद्रा स्फीति से लड़ने और अमेरिकी डॉलर को कम करने के प्रयास में जिम्बाब्वे ने हाल ही में एक नई सोना समर्थित मुद्रा और जिग पेश किया है। देखिए, अभी अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जिम्बाब्वे की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही ज़्यादा इस समय ख़राब चल रही है। जिम्बाब्वे के रुपया का अवमूल्यन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इस अवमूल्यन से बचने के लिए ही जिम्बाब्वे ने गोल्ड सपोर्टेड जो करेंसी है जिग नाम से उसे पेश किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा जिग क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो आपको वहाँ पर माइंड में क्लिक कर जाएगा, याद आ जाएगा, और आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। अर्जुन एरिगासी भारत के 21 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी है, और देखिए ये नाम बहुत ही अधिक चर्चा में है, और ये हो सकता है कि आप जो भी अगला एग्जाम देने जाएं उसमें आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अर्जुन एरिगासी शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, यानी नंबर वन शतरंज खिलाड़ी समय बन चुके हैं। कौन? अर्जुन एरिगासी, और इन्होंने जो विश्वनाथन आनंद उनको भी पीछे छोड़ दिया है। वह इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में 9वें नंबर पर। देखिए भारत में के तो नंबर एक है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात किया जाए, जो लिस्ट जारी की गई है वर्ल्ड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, उसमें इनका नाम जो है 9वें स्थान पर है। अर्जुन पहली बार एफ डॉबी रेटिंग्स लिस्ट के टॉप 10 में भी शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीवी की घटनाओं में 16% की कमी आई है। ठीक है, देख काफ़ी अच्छी कमी है, 16% बीमारी को किसी को कवर करना, तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष पहल का लक्ष्य 2030 तक सरकारी एवं गैर सरकारी सहित सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष कक्षा में क्रियाशील 24 अंतरिक्षयान और कुछ अन्य उपयोगी वस्तुएं मौजूद हैं। देखिए जो भारत का मलबा मुक्त अंतरिक्ष पहल की जो शुरुआत की गई उसका लक्ष्य है 2030 तक सरकारी और गैर सरकारी से सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। तो यहाँ पे जो ईयर है 2030, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में जो मलबा मुक्त अंतरिक्ष पहल है उसका लक्ष्य किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का है, 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, या 2040 तक। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, और वहाँ पर प्रतिदिन बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन ऑब्जेक्टिव रूप में मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो निश्चित तौर पे अगर एग्जाम से पहले आप रिवीजन करते और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े रहते हमारे साथ, तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ होने वाला है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसके थ्रू आप आके आसानी से उस बैच में जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अन्य लोगों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीके जीएस प्लस करेंट के लिए एक बेहतरीन पहल है सार्थक क्लासेस के द्वारा आप सभी को लाभान्वित करने के लिए। तो बिल्कुल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले उससे ज्वाइन कीजिए और फिर आप आगे वीडियो को देखिए। अगला, पवन दाऊलुरी कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट विंडीज के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं, पवन दाऊलुरी। संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में फोन पे से यूपीआई पेमेंट को अपनाया है।
टाइम्स पावर आईकॉन 2024 स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को टाइम्स पावर आईकॉन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि टाइम्स पावर आईकॉन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को। हाल ही में तेलंगाना के महबूब नगर जिले के गंगापुरम में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ अभिलेख पाया गया है। इस शिलालेख को 8 जून 1134 को कल्याण चालुक्य सम्राट भूलो कमल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलप तृतीय के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये भी फैक्ट्स पूछा जा सकता है। इसमें कई सारे फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये जो 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है, कहाँ से पाया गया है? तेलंगाना राज्य के महबूब नगर जिले के गंगापुरम में ये पाया गया। किससे संबंधित है? तो ये कल्याण चालुक्य राजवंश से संबंधित है। कब इसको लिखा जारी किया गया था? तो 8 जून 1134 में इसको जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो तैलप तृतीय के द्वारा जारी किया गया था। किससे संबंधित? ठीक है, के पूर्व तैलप तृतीय के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इसको जारी किया गया। तो ये कई सारे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले रिविजन के लिए। अगला, ब्रुसेल्स बेल्जियम में प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और 21 मार्च 2024 को इस सम्मेलन में 34 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन तो कई होते रहते हैं, ऊर्जा शिखर सम्मेलन से पहले भी अभी हमने एक ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात की, लेकिन परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन किया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कब किया गया? 21 मार्च 2024 को किया गया। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया? तो 34 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। एंड देखिए, अगर आपकी कोई क्वेरी, कुछ जानना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया 9506543831, इस पर आप हमें व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी बैच में जुड़ना चाहते हैं जीके जीएस की तैयारी के लिए, तो भी आप हमें इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में बिल्किस मीर, देखिए बिल्किस मीर कौन है? बिल्किस मीर जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इनको पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनाया गया है। भारत की पहली महिला जूरी सदस्य किसमें? पेरिस ओलंपिक में। जम्मू कश्मीर की रहने वाली बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। किस ओलंपिक में अपनी सेवाएं देंगी? 33वें, शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन? तो ग्रीष्मकालीन। ठीक है, कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। बिल्किस मीर किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आई होप के सारे फैक्ट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से मना कर दिया है। अब ये मैच कहाँ पर होगा, इसके संबंधित अपडेट मैं अगले वीडियो में शामिल करूँगा। और अगर आपको जानकारी है, ऐसा कोई अपडेट आता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन आज की डेट की अपडेट यही है कि सिंगापुर ने जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की उसे मेजबानी कर ली थी, उससे पल्ला झाड़ लिया है कि भाई हम कराने में सक्षम नहीं है। नो योर कैंडिडेट ऐप है जिसे चुनाव आयोग द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है, जिससे कि जो जनता है वो अपने कैंडिडेट के विषय में जान सके। यानी इस ऐप में क्या होगा, जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, उनकी जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभा वर्मा मलयालम कवि और लेखिका है प्रभा वर्मा, और इन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2022 में प्रकाशित उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है और 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान भारत में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक है। इसको तो आप जानते हैं। देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन बने। पहला, हाल ही में चर्चा में रहे प्रभा वर्मा का संबंध किससे? या हाल ही में प्रभा वर्मा सुर्खियों में थी या समाचार पत्रों में चर्चा में थी क्योंकि इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है, इन्होंने पर्यावरण संबंधित खोज की, यानी इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। तो प्रभा वर्मा कौन है? तो पहले आपको मालूम होना चाहिए, मलयालम कवि और लेखिका हैं। ठीक है, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? 2033 का 33वां सरस्वती सम्मान जिनको सम्मानित किया गया है।
किसके लिए दिया गया? तो इनका एक उपन्यास है रौद सात्विकम के लिए दिया गया है। कब प्रकाशित हुआ था? 2022 में। तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि बहुचर्चित उपन्यास रौद सात्विकम के लेखक स्लैश लेखिका है। और एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताया कि भारत में जो सरस्वती पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है, या इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो एक एक फैट से कई कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई का वीडियो देखें, देखिए इन्फॉर्मेशन का वीडियो आप देख ले छोड़ दे वो अलग बात है, लेकिन अगर पढ़ाई का आप वीडियो देखते हैं और दो बार आप नहीं देखते तो उस वीडियो देखने के मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जितनी चीज़ें फैक्ट्स आपके आंखों के सामने गुजरेंगे उतने जल्दी वो आपके माइंड से ओझल भी हो जाएंगे। और एग्ज़ाम के समय जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उन फैक्ट्स की तो संभवतः फिर वो रिकॉल नहीं होते। इसलिए पढ़ाई जब भी आप करें सीरियस होकर करें, और जो भी वीडियोज आप देखें पढ़ाई संबंधित उनको कम से कम दो बार जरूर देखें। अगला, दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 1/2024 लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, मत्स्य पालन, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। तो दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या था? सागर कवच। पूछा जा सकता है कि सागर कवच जो हाल ही में सुर्खियों में था क्या है? वहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो अगर आपने पढ़ रखा तो आसानी से आप जो है जवाब दे पाएंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक घरेलू उत्पादन बढ़ाकर एवं वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। तो यूरिया, देखिए पहले यूरिया आती थी, जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं आप जानते होंगे कि खेती में यूरिया का काफ़ी महत्व है। नाइट्रोजन 46% शायद उसमें होती है, और गेहूँ की फसल हो या कोई भी फसल हो उस समय यूरिया की ज़रूरत होती है। बीच में इसकी कालाबाजारी होती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि नीम कोटेड कर दिया था कि जो यूरिया उसके ऊपर नीम चढ़ा देंगे, जिससे इसका जो कमर्शलाइजेशन यूज हो रहा था ब्लैक हो रही थी वो नहीं होगी। अभी सरकार ने यह सरकारी लक्ष्य बना रही कि वर्ष 2025 तक घरेलू उत्पादन को इतना बढ़ा लिया जाए कि जो वैकल्पिक उर्वरकों की जो यूरिया आयात की जाती है, बाहर से मंगाई जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो एक अच्छी पहल है। अगर यूरिया का निर्माण पर्याप्त मात्रा में अपने देश में होने लगेगा तो जो भारतीय पैसा बाहर जाता है आयात के रूप में उसे रोका जा सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह निश्चित तौर पर जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। छोटे छोटे प्रयास हैं लेकिन इससे दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एक अच्छी पहल। अगला, पीटर पेलेग्रिनी क्या है? ये स्लोवाकिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। पोखरा, देखिए पोखरा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, नेपाल का एक शहर है। मार्च 2024 में नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, ठीक है। तो पोखरा अभी किस देश में है? नेपाल में। नेपाल ने इसे क्या घोषित किया है? नेपाल ने इसे नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो बिल्कुल अगर आप नेपाल जाते हो तो ज़रूर जाइएगा पोखरा, अगर आपको जाने मौका मिलता है, और वहाँ की फ़ोटो जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर हमारे साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है। विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिवस को 2010 से मनाया जा रहा है। अगर थीम की बात कर लें विश्व गौरैया दिवस 2024, तो यह थीम है आई लव स्पैरोस। एंड भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स एवं जलीय खेल कहाँ पर खोला गया है? तो ये उड़ीसा में खोला गया है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया। यानी भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। ऋतुराज भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज ने शपथ ली है, और ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इसका सही आंसर नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ अब आप जाइएगा वहाँ पर और सही आंसर अपना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके बाद कम्युनिटी में जाइएगा और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन डी है वहाँ पर, ऋतुराज भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है। राजस्थान के पाली जिले में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो ये 31 मार्च को मनाया जाता है। एक्स टाइगर ट्राइम 24 भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
ये सैन्य अभ्यास अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि एक्स टाइगर ट्राइब 24 किन दो देशों या भारत के साथ किस अन्य देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा कोई भी नाम दे दिया जाएगा, बहुत चर्चित जुड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया दे देंगे, जापान दे देंगे, बांग्लादेश दे देंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है अगर इस तरह के जो अभ्यास हैं इनको आपने पढ़ा नहीं है या न्यूज़ में नहीं देखा है, तो फिर इनका जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, गेस लगाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। डेनियल बालाजी, ये मशहूर तमिल अभिनेता डेनियल बालाजी है जिनका अभी 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, गुजरात के कच्छ में। देखिए हाँ, ये जो पॉइंट है इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये करंट का। गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों जिन्होंने 2019 में गुजरात में एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे, ने एक और महत्वपूर्ण खोज की जो कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की है। देखिए कई सारी चीज़ें दे दी हैं, किस गांव के पास है, तो खटिया गांव के पास है। किस जिले में, कच्छ जिले में। कच्छ जिले का भी एक क्वेश्चन मैंने, आप लोग देखिए यूट्यूब देखते हैं ना तो कम्युनिटी में चले जाइएगा, वहाँ भी मैं आप क्वेश्चन में पोस्ट कर रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अधिकांश लोगों ने उसमें लखीमपुर ऑप्शन टिक किया था, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, और काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, उसमें एक गांव है खटिया गांव, वैसे आप भूलेंगे नहीं, खटिया तो हम लोग चारपाई को कहते हैं गाँव में, ठीक उसके उसी गाँव के पास में, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर एक पटता बेट स्थान है, वहाँ पर 5200 साल पुराने हड़प्पा बस्ती का पता लगाया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, बात का विषय है, फिर जो भी जानकारी होगी वो डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार, अभी हाल ही में अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी PEO का नया अध्यक्ष चुना गया है। एंड नवीन जिंदल जो है जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं, इनको जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में न्यूज़ में, कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोलें NIA आपको दिख जाएगी। तो NIA के प्रमुख कौन हैं, सदानंद वसंत दाते हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि NIA तो अब रोज ही चर्चा में रहती है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है तो मालूम होगा, भाला फेंक थ्रोवलिंग। सुश्री एस्ट्रिड सोमेकर, ये कहाँ की, जर्मनी की है। एस्ट्रिड सोमेकर जो जर्मनी की है, इनको जैविक विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सुश्री एस्ट्रिड सोमेकर को जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है, पहला है इन सीटू संरक्षण और दूसरा एक्सीटू संरक्षण। ये दोनों संरक्षण क्या होते हैं इनके विषय में आप जरूर देख लीजिएगा। एंड अगला पॉइंट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पर रहते हुए फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है, और ये लगातार 7वां वर्ष है, ठीक है, जब इस सूची में जो फिनलैंड है वो पहले स्थान पर है। तो भाई काफ़ी अच्छी जगह लग रही है, खुश रहना चाहिए, हम लोग भी खुश रहें तो, और तो यहाँ पर हमारे देश का भी नाम आना चाहिए। तो अगर आप लोग खुश नहीं रहते तो खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं भी खुश रहूँगा। शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इसराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस सूचकांक में भारत की अगर बात करें तो 143 देशों की लिस्ट में भारत के स्थान 126वें हैं। अरे भाई इतना दुखी क्यों रहते हो भाई, सब लोग खुश रहा करो। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और अगर विश्व जल दिवस 2024 की थीम की बात करें तो यह है शांति के लिए जल। 2002 में अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डेनियल कॉनमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की अप्रैल 2024 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के लिए विश्व का सर्वोत्तम स्थान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि EIU रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा देश व्यापार करने के लिए शीर्ष स्थान पर है तो ये होगा सिंगापुर। अगर भारत की स्थिति पूछ ली जाए तो इस लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो 51 यानी 91 है। एंड तो
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप कम से कम एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, यानी एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा है होने के कारण, मतलब थोड़ा सा अन्य वीडियो के पीछे में थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। अगर छोटा होता तो मैं रिवीजन भी करा देता, लेकिन आप आसानी से इसको एक बार और चला के देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, सारे फैक्ट्स आपके आसानी से माइंड में बैठ जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके द्वारा जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे भी आप बेहतरीन प्रश्नों का, जीके और जीएस के कलेक्शन के बेहतरीन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और इस ग्रुप को आप अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।